नमस्कार, लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन मोड पर रखें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा निकली है उसके अधिनियम की क्लासेस आज से चालू करने वाले हैं, जिसका आज का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। फूड इंस्पेक्टर के अधिनियम का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संरचना को पढ़ाऊंगा, कैसे कार्य करता है, कौन कौन उनके अधिकारी होते हैं, कौन कौन उनके मंत्री होते हैं, इनको विस्तार से आज मैं चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संरचना। संरचना में सबसे पहले होते हैं प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इस जो विभाग है उसका प्रमुख होता है उनका प्रभारी मंत्री। इसके मंत्री कौन है ये भी आगे बताऊंगा, डिटेल्स में पूरा चर्चा हम करने वाले हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं मोटा मोटी। तो प्रभारी मंत्री के अंतर्गत आएगा एक आयोग और एक विभागीय सचिव, ठीक है। आयोग, आयोग के दो आपको दो आयोग देखने मिल रहे होंगे। पहला है राज्य खाद्य आयोग, है ना, और दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग। जब किसी उपभोक्ता के साथ विवाद हो जाता है तो उसके लिए आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ठीक है। विभागीय सचिव के अंतर्गत है विभागाध्यक्ष कार्यालय और निगम। तो जो विभागाध्यक्ष कार्यालय है वो दो भाग में बटा हुआ है। पहला है ना, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ठीक है, और दूसरा है नियंत्रक नापतौल विभाग। इसके अलावा निगम के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, ये विभागीय सचिव के अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, ये पहला, ये दूसरा इसका। निगम में पहला छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। इस प्रकार का संरचना होता है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो खाद्य विभाग के पदी संरचना में सबसे ऊपर जो विभाग के प्रभारी मंत्री होते हैं कौन होते हैं, प्रभारी मंत्री जो कि वर्तमान में हैं अमरजीत भगत जी, श्री अमरजीत भगत जी जो अभी वर्तमान में प्रभारी मंत्री हैं। मंत्री के नीचे हैं विभाग के संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद जी, तो विभाग के संसदीय सचिव, और इस सचिव के अधीन आते हैं विभाग के प्रभारी सचिव। कौन आते हैं, विभाग के प्रभारी सचिव। ये संसदीय सचिव हैं कुंवर सिंह निषाद जी और अमरजीत भगत जी जो हैं वो प्रभारी मंत्री हैं। इसके नीचे आएंगे विभाग के प्रभारी सचिव, अन्य सेक्रेटरी जितने भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद्य विभाग के अधीन निम्नलिखित दो विभागाध्यक्ष कार्यालय आते हैं। विभागाध्यक्ष जहां विभाग के अध्यक्ष रहेंगे वो कार्यालय कौन कौन से होंगे, पहला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, ठीक है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं, संचालक होते हैं और खाद्य निरीक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी भी हैं। पूछेगा मान लो क्वेश्चन कि खाद्य निरीक्षक जो फूड इंस्पेक्टर का पद आया है उसके लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन है, तो यही संचालक इसके नियुक्तिकर्ता अधिकारी होंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के संचालक, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा नियंत्रक नापतौल कार्यालय, ठीक है, तो मुख्यतः नापतौल उपकरणों के सत्यापन और उसकी विशुद्धता बनाए रखने के लिए कार्यरत है ये कार्यालय, ताकि आम लोगों को सही नापतौल की वस्तु प्राप्त हो सके, ठीक है। ये दो विभागाध्यक्ष कार्यालय हैं खाद्य विभाग के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं खाद्य विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित आयोग और दो सार्वजनिक उपक्रम भी कार्यरत हैं। तो कौन कौन से आयोग कार्यरत हैं और कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं। तो आयोग में है पहला छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतितोषण आयोग। ये क्या करता है, इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन है। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन इस विभाग का मुख्य काम है, आयोग का मुख्य काम है, तथा उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई कर उनका निराकरण करना, ठीक है, भी है। इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री चंद्रभूषण वाजपेयी हैं, जहां तक मोटा मोटी मेरा अभी जहां तक मुझे याद है तो यही चंद्रभूषण वाजपेयी जी हैं, हो सकता है अभी बदल गए हों, ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16(1), कौन सा भाई, ये खाद्य आयोग जो है, धारा 16(1) तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक
वितरण प्रणाली जो पीडीएस प्रणाली है, आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016 के खंड 8 का के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। कौन सा आयोग? छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा जी हैं। कौन है? गुरप्रीत सिंह बाबरा, इनको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा जी हैं वर्तमान में। अब हम बात करते हैं आगे, इनके अंतर्गत कौन कौन सी जो है जो सार्वजनिक उपक्रम है वो कार्यरत है। तो दो सार्वजनिक उपक्रम है, जिनमें से पहला है छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे नागरिक आपूर्ति निगम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? नागरिक आपूर्ति निगम भी इसे कहते हैं। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के लिए, जो पीडीएस के लिए जो हितग्राही हैं, ठीक है, उसके लिए चावल गेहूं शक्कर नमक चना एवं दाल का उपार्जन अथवा क्रय करना है, है ना। इस निगम की जो अध्यक्ष है, इस निगम के जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्री डीएल चौधरी जी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये राज्य गृह भंडार गृह निगम है ना, इसे कहते हैं। तो राज्य भंडार गृह निगम का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों के लिए वैज्ञानिक भंडार हेतु गोदामों की व्यवस्था करना तथा राज्य की भंडार क्षमता का विकास करना है। इस निगम के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है श्री अरुण वोरा जी। कौन है? श्री अरुण वोरा जी, ठीक है। तो ये सभी लेटेस्ट आंकड़ा है, पूरा नया आंकड़ा आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं खाद्य विभाग के मैदानी अमले के। मैदानी अमले मतलब जो जमीनी स्तर पर जाकर कार्य करते हैं। तो मैदानी अमले में खाद्य नियंत्रक, खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक प्रमुख हैं। खाद्य विभाग के मैदानी अमले में पदस्थापना की जानकारी इस प्रकार, जैसे कि संभागीय मुख्यालय में आपको देखने मिलेगा खाद्य नियंत्रक, जिला मुख्यालयों में खाद्य अधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों में, ठीक है, सहायक खाद्य अधिकारी आपको देखने मिलेगा, और विकासखंड स्तर पर आपको खाद्य निरीक्षक देखने मिलेगा विकासखंड के मुख्यालय में, खाद्य निरीक्षक। तो ये मैदानी स्तर पर ये काम करते हैं। अब आप बात करेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की गतिविधियां एवं कार्य। क्या क्या गतिविधियां करती है ये विभाग और ये क्या क्या कार्य करते हैं, है ना। तो खाद्य विभाग का जो मुख्य या मूलभूत दायित्व है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का जनहित में विनिमय, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन करना, मतलब जैसे धान वगैरह खरीदते हैं वो, तथा साथ साथ नापतोल नियमों के प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन, ये सभी चीजें शामिल है, सभी काम करते हैं। पीछे बता चुका हूं बारी बारी से कौन कौन क्या क्या काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और विस्तृत रूप से। तो खाद्य विभाग से संबंधित विभिन्न दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है। पहला क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने ये अधिनियम बनाया 2012 में, उसके बाद देश में बना 2013 में। इसका क्रियान्वयन कराना इसका दायित्व है खाद्य विभाग का। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस प्रणाली है, ठीक है, उसकी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न शक्कर नमक केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं नियत दरों पर जो सरकार निर्णय की है उस पर उपलब्ध करवाना, ये भी इनका दायित्व है। इसके अलावा खुले में, है ना, जो बाजार, खुले बाजार में जो होता है, खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आम उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्धता एवं प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत विभाग से संबंधित नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है ना, उससे संबंधित नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कराना भी इनका दायित्व होगा। घोषित समर्थन मूल्य पर धान तथा मक्का के उपार्जन की व्यवस्था करना, जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। समर्थन मूल्य पर धान और मक्का को उपार्जन भी इन्हीं के अंतर्गत आता दायित्वों में। इसके अलावा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, है ना। उपभोक्ता फोरम जो होता है जहां पर कंज्यूमर अपनी शिकायत कर सकता है, उनके हितों के लिए, उपभोक्ताओं के हितों के का संरक्षण एवं संवर्धन करना, वहां पर उनकी सुनवाई करना, उनको रिजल्ट देना जल्दी जल्दी, ठीक है। इसके अलावा नापतौल से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन, है ना, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा व्यापार व्यवसाय औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले
उपकरणों की विशुद्धता बनाए रखना कि वो सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी करना जा जाकर, है ना। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, तो ये करते हैं व्यापारिक संस्थाओं की जांच करते हैं, त्रुटियोंकारियों के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई करते हैं, नापतोल उपकरणों के निर्माता विक्रेता सुधारकों को अनुज्ञप्तियां, है ना, प्रदान करना। इसके अलावा और क्या काम करते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत। और हम बात करेंगे जो उसमें खाद्य निरीक्षक होता है जो, है ना, उसका क्या दायित्व होगा, तो खाद्य निरीक्षक जो फूड इंस्पेक्टर होता है उसके क्या दायित्व है, जिस पद के लिए आप भरे, तो खाद्य निरीक्षक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मैदानी अमले में विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन, मैदानी अमले में शामिल होता है जिसमें मैदानी अमले में विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए निम्नतर स्तर पर कार्यरत पद खाद्य निरीक्षक का है। तो मैदानी अमले में ही खाद्य निरीक्षक पदस्थ होता है, ठीक है, तो ये निम्नतर स्तर पर पदस्थ होता है, और खाद्य निरीक्षक की पद स्थापना विकासखंड स्तर पर होती है, याद रखेंगे किस स्तर पर, विकासखंड स्तर पर होती है, ताकि वो जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से जुड़ सके। खाद्य निरीक्षक के मूलभूत दायित्व इस प्रकार है, पहला क्या है, उचित मूल्य की दुकानों की जांच एवं हितग्राहियों को नियमित राशन सामग्रियों का वितरण सुनिश्चित कराना। कौन, खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर, ये देखेगा, जांच करेगा उचित मूल्य की दुकानों पर, ठीक है। इसके अलावा अपने प्रभार वाले क्षेत्र के पेट्रोल डीजल पंपों की नियमित जांच करना, पेट्रोल डीजल की समुचित उपलब्धता तथा निर्धारित गुणवत्ता को पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना। इसके अलावा एलपीजी वितरकों को की नियमित जांच करना, जो एलपीजी वितरण कर रहे हैं उसकी नियमित जांच करना, ताकि आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दर पर ही इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। पेट्रोल डीजल अपने क्षेत्र में जो उसका हल्का मिला है, उसका क्षेत्र मिला है, उसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल के पंप जितने हैं उनकी निगरानी वगैरह करना, देखना, उसमें जांच करना जाकर, वैसे ही एलपीजी वितरकों के लिए जांच करना, शुद्ध वाले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सही दर पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये जांच करने का काम खाद्य निरीक्षक का है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की निगरानी संबंधी जिला प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करना। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करना, सही रूप से प्रदान किया जा रहा है कि नहीं, सही सामग्री प्रदान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसका पूरा जांच कौन करेगा, खाद्य निरीक्षक करेगा। अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में उपभोक्ता अधिकारों का प्रचार प्रसार करना, भाई उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, किस मूल्य पर, कोई एमआरपी से तो नहीं बेच रहा है, ज्यादा पर नहीं खरीद रहा है, उनको सजग करना कि भाई आपको एमआरपी से ज्यादा पर नहीं खरीदना है, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने तथा आम उपभोक्ताओं को इसकी सुगमता से उपलब्धता एवं प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए विभागीय नियंत्रक आदेशों का क्रियान्वयन करना, मतलब विभागीय जो नियंत्रक आदेश देते हैं उनके आदेशों का क्रियान्वयन करना, जमाखोरी जहां कहीं पर हो रही तो उसको रोकना, कालाबाजारी को रोकना, ये सभी कार्य किसके होंगे, खाद्य निरीक्षक के होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की संरचना, सेक्रेटरिएट जो है उसकी संरचना कैसी होगी, है ना, तो संचालक, है ना, कमिश्नर जो है संचालक, उसके नीचे आपका आ जाएगा संचालनालय और जिला कार्यालय। तो संचालनालय के अंतर्गत कौन कौन से संचालक होंगे, संचालनालय के नीचे होंगे, संचालनालय में होंगे सबसे पहले अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उसके नीचे उप संचालक, सहायक संचालक, और फिर लिपिकीय अमला होगा जो लिपिकीय कार्य करते हैं। वैसे जिला कार्यालय में खाद्य निरीक्षक, खाद्य अधिकारी, है ना, सहायक खाद्य अधिकारी, फिर खाद्य निरीक्षक जो फूड इंस्पेक्टर जिसके लिए आप पद के लिए डाल रहे हैं, और लिपिकीय अमला होगा उनके नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना होगी संचालनालय की और जिला कार्यालय की। अब हम बात करते हैं खाद्य विभाग से संबंधित लागू विभिन्न अधिनियम के बारे में, कितने कौन कौन से लॉ है जिनको आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, नियम एवं नियंत्रण आदेशों की जानकारी हम देख लेते हैं। तो हमको मुख्य रूप से क्या क्या करना है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता तथा प्रदाय तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभाग से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम एवं नियम एवं नियंत्रण आदेश छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हैं। कौन कौन से आदेश लागू हैं उनको देख लेते हैं, जिनके बारे में हमको आगे विस्तार से पढ़ना है, यही हमारा पूरा सिलेबस है, और इन्हीं को हमको मुख्य मुख्य जो बिंदु हमारे सिलेबस में दिए उनको पढ़ना है। वैसे तो आदेश बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जो आपके सिलेबस में आपको उन्हीं को पढ़ना है, जैसे कि
पहला क्या दिया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये पढ़ना ही है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ये भी इनके अंतर्गत आता है, इसको भी पढ़ना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसको भी पढ़ना है, तथा इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नियंत्रण आदेश, इसी के अंतर्गत भी जारी है, उनको भी पढ़ना है। भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015, है ना। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016, ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से पढ़ना है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारे देखिए 17-18 जो आते हैं, जिसमें से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी लेटेस्ट 2019 वाला ये जोड़ा गया है, तो आपको ये पढ़ना है मुख्य रूप से सिलेबस में, है ना। बाकी में से कुछ एक पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो बाकी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ करके सरसरी तौर पर बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016, छत्तीसगढ़, क्योंकि इस पे चावल की खरीदी ऑनलाइन कब हो रही है, ये डेट वेट वगैरह पूछ देता है ना। छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979, छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980, छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखने आदेश 1980, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या नियम, अधिनियम ये लॉ है और ये नियम है, 1987, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निबंधन आदेश 2009, है ना। कैरोसिन उपयोग पर निबंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन आदेश 1993, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उपयोग के नियंत्रण आदेश सन 2000, मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल प्रदाय तथा वितरण का विनिमय एवं अनाचार निवारण आदेश 2005, छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शित एवं जवाबदेही नियम 2017, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो मुख्य रूप से आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ये तो मुख्य मुख्य रूप से पढ़ना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम भी पढ़ना है। तो ये शुरू के जो दो तीन टॉपिक्स हैं है, और ये जो लेटेस्ट वाला टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो आपके सिलेबस में इस बार दे दिया है, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी को आपको सरसरी तौर पर अगर देख लेंगे थोड़ा थोड़ा तो भी चलेगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो बताया मुख्य मुख्य बिंदु उनको तो पढ़ना है। इसके अलावा नापतौल विभाग से संबंधित अधिनियम भी शामिल होते हैं, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, विधिक माप विज्ञान राष्ट्रीय मानक नियम 2011, विधिक माप विज्ञान मॉडलों का अनुमोदन नियम 2011, है ना, और भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम 2011, विधिक माप विज्ञान संख्यान नियम 2011, विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011, विधिक माप विज्ञान साधारण नियम 2011, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011। ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा आपके खाद्य विभाग से संबंधित लागू विभिन्न अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश की जानकारी है, ठीक है। तो इनमें से आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं को विस्तार से आगे आपको चर्चा करना है। और यदि ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आए हैं कि नहीं आए, ताकि मैं आगे के वीडियो इसके बना पाऊं। यदि आप इसकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।